everyone, welcome back to another video, आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ सेवियो एंड आरती को, और उन्होंने लिखा कि वो हस्बैंड और वाइफ दोनों हमारी वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। सीरियसली जब फैमिली के लोग मिलकर हमारी बात देखते हैं ना, तो मतलब एक अलग फीलिंग हमारे लिए होती है। बिल्कुल, और नहीं ना, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वेल, अभी बढ़ते हम आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो आईपीएल से रिलेटेड वीडियो है, और वीडियो का टाइटल बताएंगे। टाइटल है, बोलने नहीं देना भाई, मुझे क्या पता आपने मौसम भी कहा। टाइटल है फर्स्ट एड्स ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स फनी क्रिकेट वीडियोस 2019। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। कोहली 20 साल पहले बालाकृष्ण वाली के बाप को भी आइडिया नहीं था कि जब वो बड़ा होगा तो गूंज उठेगी शहर की हर दुकान, मकान और खोली। खोली, अच्छा ये तो पूरा विराट कोहली। लवली शक्ल तो विराट जैसी थी, बस टैलेंट की तलवार में थोड़ी धार कम रह गई। पर जब मोहल्ले की टीम हारने की हैट्रिक बनाने वाली थी तो कुछ एक्साइटिंग हो गया। हो गई ना, मंच 4x4 में 4 लेयर्स ऑफ रिच वेफर और चॉकलेट, मतलब क्रंचियस्ट एवर एक्साइटमेंट। अन्ना अपना ये लकी चार्म, आज से तुम टीम में पटरी निकाल। सचिन देखो, सचिन के पास बैंडेड है। बैंडेड यानी फर्स्ट एड। चोट लग जाए तो लगे नहीं सेवाग। सिर्फ दो बॉल बाकी और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। भारत की उम्मीदें एक ही आदमी पर टिकी हुई है। मैंने ये वीडियो देखी है, ये वाला एड देखा है। आई थिंक इस बार हार भी आएगा शायद। कम ऑन सेवाग, सेवाग की माँ गेम के बाद। नो सेवाग की फोन। मैसेज फॉर यू। हाँ कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक सोच थी, एक सपना था। रिलायंस की थी। ओके, वो माँ का फोन आ गया। मस्त होने फर्स्ट शेड वाज मस्त सैंडल्स। ओके, और ये किस्सा अभी तक चल रहा है कि क्या ये सिर्फ भाग्य का खेल था या भारत में वाकई ताकत है। ताकत है, शुरू से सब यही कहते थे। मास्टर जी ने कहा बल्ला छोड़ पेन पकड़, वरना। दोस्तों ने कहा कॉलेज की सीढ़ी तक नहीं चढ़ा, पता नहीं स्टेडियम कैसे पहुंचा। बुजुर्गों ने कहा तकदीर हमारे हाथ नहीं होती बेटा, शायद नहीं होती, पर ताकत, ताकत तो अपने हाथ होती है ना। पेश है नया TVS Star City CVTI टेक्नोलॉजी के साथ, जो दे आपको जबरदस्त पावर और माइलेज। TVS Star City, अब ताकत अपने हाथ। धोनी फ्रॉम झारखंड। यम यस धोनी फ्रॉम चेन्नई, माइंड इट ऑल यू फास्ट बॉलर रास्कल्स, आई हैव द बैट, तो यू हैव द बॉल। Mind it.
बात करें अगर आज की वीडियो की, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं जानता हूं मेरी बाइक जो है वो बहुत पुरानी लगती है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी मार्केट में इससे अच्छी अवेलेबल बाइक कोई नहीं थी इस रेंज में, इसलिए मैंने वही खरीदी। लेकिन बाकी इंडिया बाइक में बहुत आगे है। मैं तो बल्कि ने भी यही कहता, आपने भी मेरी बाइक की किट लगा दी है। लेकिन बाकी में ऐसा मतलब वो सामने जैसे ही ऐड आया टीवीएस का, तो वो मुझे बिल्कुल मौसम की बाइक की तरह ही लगी थी। लेकिन ये कि थोड़ी सी बस शेप चेंज है, बाकी तकरीबन वैसी है। लेकिन लेकिन नो डाउट पाकिस्तानी मार्केट में उस तरह बाइक्स नहीं है जैसे इंडियन मार्केट में है। बहुत सारे लोग हमारा ब्लॉग देखकर बोल रहे थे कि इसमें आपको बड़ी अच्छी अच्छी भी मिल जाएंगी, आपने रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं ली? तो रॉयल एनफील्ड यहाँ पर है ही नहीं, तो हम लोग लेंगे कैसे, ये भी तो सोचने वाली बात है। वो जितने में वहां से आनी है ना, उतने ही क्या नाम लेते हैं, मुझे जो है कस्टम को बेशक देने पड़े। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग वीडियो की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाइक की क्लेरिफिकेशन देना शुरू हो गए, बाइक की कमर्शियल की बात कर रहे थे ना, दिल में लग गया थोड़ा सा। पहले सबसे पहले एड की बात करते हैं कि जो पहला एड था मंच का, वो मैंने नहीं देखा था। इवन मैंने कोई भी इसमें से एड नहीं देखा हुआ था, मैंने भी नहीं देखा हुआ। लेकिन ये है कि इसमें कोहली के मतलब सरनेम को जिस तरीके से उन्होंने यूज किया है, और जो भी एड बनी थी काफी मजे की मतलब एड लगी थी मुझे, क्योंकि कोहली काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे थे। वैसे वैसे अगर मैं बात करूँ, एड्स जो बनाते हैं ना, मैं कहता हूँ उनके दिमाग वो डिफरेंट किस्म के मैन्युफैक्चर होके आते हैं, क्योंकि इस तरह के एड्स बनाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वैसे समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि एड्स में और साउथ इंडियन मूवीज में कोई फर्क नहीं होता। वैसे इंडियन पुरानी एड्स की तो मैं बात नहीं ज्यादा करूंगा, क्योंकि पुरानी एड्स जो है वो सारों की इसी तरह की होती थी। लेकिन अगर अब की बात करें ना, इंडियन एड्स बहुत अच्छी होती हैं मैसेज के साथ। नहीं मैं अब नहीं, इंडियन एड्स पहले भी बहुत अच्छी थी। एक दो एड्स हमेशा ऐसी बनती हैं जो कि मतलब वो थोड़ी सी आपको लगता है कि ये अजीब सी बन रही हैं, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो इंडियन एड्स बहुत अच्छी होती है। इवन मतलब हम लोग मतलब मैं छोटी थी अपने बचपन में, मैं इंडियन एड्स बड़े शौक से देखा करती थी। जब मतलब हम लोग डिश एंटीना होता था और हम लोग देखा करते थे, जैसे CID वगैरह देखा करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था हम लोगों को एड्स देखना भी। मैं इस वजह से पुरानी एड्स की बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझे इतनी याद नहीं है, नई वाली मुझे याद है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनमें जरूर कोई ना कोई मैसेज होता है। पाकिस्तानी एड्स की मैं बात करूँ ना, तो जो बनती है ना, यानी कि लोकल एड्स बनती हैं, तो एक आदमी बहुत मशहूर है एड्स में, अब मुझे उसका नाम नहीं याद, वो अक्सर ना खाने पीने की एड्स करते हैं, तो और ट्रिगर्ड इंसान ने भी उन्हें रोस्ट किया हुआ है काफी ज्यादा। अच्छा। तो रोशनी से रोस्ट किया हुआ है। अच्छा, तो वो जो है एड्स किस तरह करते हैं, सांप वाली पिटारी लेके आ रहे हैं, बीन बजा रहे हैं, बाद में वो उठाया बीच में से बर्गर निकल आया। मुझे पाकिस्तानी एड्स इतने पसंद नहीं, क्योंकि मुझे कभी भी उनमें ना लॉजिक नजर नहीं आई। वाला यहां पर मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, क्योंकि इंडियन एड्स वाकई में क्रिएटिविटी में बहुत आगे हैं। और हाँ, ये चीज मुझे इसलिए मजे की लग रही थी मतलब वीडियो में, क्योंकि जैसे वो पेप्सी वाला था, मतलब वो एकदम से वो, लेकिन ये कि वो स्टाइल कुछ और बनाया हुआ था। आई थिंक वो चेन्नई सुपर किंग के लिए तो नहीं बनाया था शायद, मेरा ख्याल है। वैसे अगर बात करें पेप्सी की बात करें ना, वो जब से उनकी एक वो टैगलाइन स्टार्ट हुई थी, ये है यंगिस्तान मेरी जान, तो बहुत सारे एक्ट्रेस भी थे, उन्होंने भी जो है ऐड की थी पेप्सी की, तो मुझे अच्छी तरह याद है। वैसे सचिन तेंदुलकर जी की तो मैंने नहीं देखी थी, सहवाग जी की भी नहीं देखी थी, तो मतलब बीच में वैसे विराट कोहली की भी नहीं देखी, तो मतलब फिर देखी कौन सी? टीवीएस का मुझे डाउट पड़ता है, जैसे टीवीएस की मैंने ऐड देखी हुई है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, टीवीएस का मुझे डाउट पड़ता है। बट यहाँ से देखो ये पता चलता है कि जो MS धोनी है वो कितने ज्यादा फैन थे। देखो जॉन अब्राहम से उनका हेयर कट वो बता रहा था। वेल ओवरऑल काफी मजा आया, और IPL में आजकल क्या चल रहा है हमारे से जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अब हमें ज्यादा मेरे वीडियोस लाइक चैनल सब्सक्राइब एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।